हाय गाइस, माय नेम इज माजिद खान फ्रॉम कोरियर सोसाइटी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर्स। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर्स। व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? रश्मि के पास एक मैप है। ऑन द मैप अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है उसका मतलब एक्चुअल में 18 किलोमीटर्स के वो बराबर है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैप पे 2 सेंटीमीटर्स दिया गया है, इन एक्चुअल वो है 36 किलोमीटर्स के बराबर। ओके, जैसे हम लिखते हैं मैप्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना बड़ा मैप तो नहीं है कि मैं 18 किलोमीटर ड्रॉ करूं उस पे, तो हम क्या करते हैं, स्केल लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर्स। ओके, नाउ रश्मि जो है उसने एक्चुअल में 72 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, तो हमें बताना है मैप पे वो किसके बराबर है, कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कम डिस्टेंस मैप पे, तो कम डिस्टेंस एक्चुअल में ज़्यादा डिस्टेंस हो गई मैप पे और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई, तो हमारी जो स्केल है मैप पे डिस्टेंस बढ़ रही है तो एक्चुअल में भी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर और क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमें नहीं पता जब रश्मि 72 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो मैप पे वो किसके बराबर है, कितने सेंटीमीटर्स के बराबर, तो आई विल सपोज कि x किलोमीटर्स के बराबर, दैट x सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 72 किलोमीटर्स। ओके, उसके बाद जब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इन दोनों केसेस का रेशो बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा 18/1 बराबर होगा 72/x। x डिवाइड में यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड हो जाएगा जब ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ओके, नाउ थोड़ी बहुत कैंसिलेशन कर लेते हैं, 6 3s are 18, 6 1s are 6, 7th 1 आया कैरी, 6 2s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो x का वैल्यू निकला 4 सेंटीमीटर, मतलब मैप पे 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल के 72 किलोमीटर्स को। Okay, so this was it. I hope you understood well. Thank you.